Hi everyone and welcome back to Jhatpat Review with Mamma Mia. तो जना मौसम बदल रहा है और ऐसे में हमारे जो कपड़े हैं ना उनको पहनने का एक तरीका बदल जाता है लाइक uh, like, uh, ना तो गर्मी रही है और ना अभी पूरी तरह से सर्दी आई है तो मुझे लगता है ये परफेक्ट वेदर है जब हम अगर थोड़े से भी फैशन कॉन्शियस है ना तो हम अपने जो भी हमारा आउटफिट है ना उसके अंदर एक लेयर ऐड कर सकते हैं तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है हमारी डेनिम जैकेट्स आज मेरे पास जितनी भी uh, मेरे पास डेनिम जैकेट्स हैं ना जो मैं एज अ लेयर शॉर्ट जैकेट्स जो मैं यूज़ करती हूँ ना मैंने सोचा कि चलो

स्टाइलिश दिखने शुरू हो जाते हैं अब यहाँ पर डेनिम जैकेट की बात करें तो डेनिम जैकेट्स बहुत सी वैरायटी में मिलती हैं अलग अलग तरीके की मिलती हैं बहुत से स्टाइल्स में मिलती हैं इस सब पे डेनिम जैकेट्स पे ना प्रॉपर मैंने एक वीडियो बना रखी है अगर अब तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन में भी शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी तो एक बार जरूर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा उसके अंदर मैंने बताया कि किस किस अलग अलग तरीके की डेनिम जैकेट्स होती हैं और कौन कौन जो प्लस साइज वाले भी हैं वो किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं जब हम लेयरिंग करते हैं ना तो हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट होता है या होता है ना वो सब छुप जाता है अलग और स्टाइलिश देख सके। अभी ये जो मैं आपके साथ शो कर रही हूँ ये मेरी कोई अभी की परचेज नहीं है ये मैंने पिछले एक साल में जितनी भी डायने जैकेट परचेज हैं एक डेढ़ साल में वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेकिन वो प्रोडक्ट्स अभी भी अवेलेबल है और जैसे कि मैंने बताया कि आज की ये जितना भी हॉल है ये मेरा Amazon का है और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जो सबसे पहली डेनिम जैकेट मैंने खरीदी थी अमेजोन से वो थी मेरी ये डार्क ब्लू कलर की मैं फेडेड टच भी था ये किंग डेनिम ब्रांड से ली थी और अभी इसका जो प्राइस है वो है फोर नाइन्टी का स्मॉल से लेके एक्सेल तक इसमें साइजेस अवेलेबल है सी गायज ये इस तरीके की थी नीचे इस तरीके से इसके ये था बैक में भी दिखा देती हूँ ये देखिए अभी एक चीज़ और बता दूं कि जितनी भी जैकेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मत सोची कि इनसे आपकी ठंड रुकने वाली है तो ठंड नहीं रुकने वाली बस तो आपको ये चीज़ें फैशनेबल बना देंगी बट फिर भी आई विल से कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नेक्स्ट मैंने फंडे फैशन की ना ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी ये वाली डायनम जैकेट मैंने परचेज की थी इस तरीके से ये भी ना इसके अंदर भी यहाँ पे फेडेड टच था और मुझे इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी ना वो ये है कि यहाँ पर नीचे ना इसकी कुछ सिलाई नहीं थी और इस तरीके से ये इसके धागे से ना यहाँ पर ये निकले हुए थे तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी एंड ये फंडे फैशन से ली थी मैंने और अभी के लिए इसका जो प्राइस है ना ये है टू नाइनटी नाइन रुपीज एंड आई विल से इतना स्मार्ट लुक है न इस डैनम जैकेट का अमेजिंग परचेज गाइस अमेजिंग परचेज तो जो जो भी डैनम जैकेट लेने की सोच रहा है और उसका साइज स्मॉल से लेके एक्सेल तक है ना आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं फंडे फैशन की है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बैक से एक बार दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरीके से है इसके बाद ना मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं देन ये ब्राउन कलर की इसको भी आपने मुझे एक वीडियो में पहले देखा हुआ और इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है गाइज ये मैंने कैमल कलर में परचेज की है और ये भी फंडे फ़ैशन से थी जब मैंने फेडेड ब्लू ली फंडे फैशन की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया देन आई फाउंड दिस लेकिन इसके अंदर नीचे से ना ये खुला हुआ नहीं है बट ऐसा है और पीछे इसके ना इस तरीके से बना हुआ है बैक से एक बार दिखा देती हूँ आपको ये देखिए इसके अंदर आपको 19 कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे 19 कलर्स मैंने खुद इसके तीन कलर्स परचेज कर रखे हैं एक ये ब्राउन है एक ये ब्लैक इस वक्त मैंने पहन रखा है और एक और कलर है मेरे पास इसमें ये आ, मजेंट ये मजेंटा कलर है मेरे पास एक इसमें और इन तीनों में ना जो सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगी है ना वो इसकी लगी थी ये वाला इसका मटेरियल मुझे ना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा था मजेंटा से ब्लैक वाला ये जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है ना ये इतना थिक मटेरियल नहीं है बट येस बहुत ज्यादा स्मार्ट लुक है इसका और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया और अभी भी मेरे माइंड में ना दो तीन कलर्स घूम रहे हैं क्योंकि इसके टोटल 19 कलर्स अवेलेबल है और ये जो कलरफुल जैकेट है ना इनके अंदर आपको स्मॉल से लेके थ्री एक्सल तक साइजेस अवेलेबल है और इसका जो प्राइस है ये ब्राउन जैकेट इस वक्त थ्री ट्वेंटी पर है मजेंटा थ्री फिफ्टी पर है और ये जो ब्लैक मैंने पहनी हुई है टू फोर्टी जितनी प्रोडक्ट आपको हाँ है ना इनका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उन्हें परचेज कर सकते हैं और अगर किसी में आपका साइज अवेलेबल नहीं हो रहा है ना तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा उसे विशलिस ना दोबारा से अपलोड होती रहती है। हैं प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन की तो आप इन्हें खरीद सकते हैं तो चलिए मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा आज का ये रिव्यू और क्या आपको भी डेनिम जैकेट वाला जो लुक होता है वो पसंद आता है अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का एंड सो इसके साथ ही मेरा आज का रिव्यू हुआ पूरा और लेती हूँ मैं आपसे इजाजत और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार और वीडियो पसंद आ गई हो हमारा आज का रिव्यू पसंद आ गया प्रोडक्ट्स पसंद आ गए तो लाइक का बटन दबा देना सो साइनिंग ऑफ एंड गाइज इन द नेक्स्ट रिव्यू टिल एंड टेक केयर स्टे पॉजिटिव एंड की बाय